हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आर्कवाई टेक्निक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके जो हो गए महत्वपूर्ण हवाई अड्डे कहाँ पर स्थित है, आपके जो है प्रधानमंत्री, राज्यपाल, इन सब की नियुक्तियाँ कौन करता है, और भारत की जनगणना के अकॉर्डिंग जो आपकी महत्वपूर्ण जनगणनाएं हैं 2011 से रिलेटेड, सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो आपके जो है राज्य से और आपके जो है देश से सीमाएं लगती हैं, इन सभी टॉपिकों पर भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। साथ ही में आपकी जो है महत्वपूर्ण झीलें हैं, वह झीलें आपकी कहाँ पर हैं, किस राज्य से जुड़ती हैं और कहाँ से होकर निकलती हैं, इनके भी बारे में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दिया जाए, भारत में पहली बार महिला एवं पुरुष जो हैं वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले हुई और या विजेता जो हुई, उस सब के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो की यदि आप लोग देख लेते हैं तो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाली है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्जाम में जो है अच्छे नंबर आने के चांस ज्यादा हैं। तो आप लोग लूसेंट जो है जीके के पूरे निचोड़ को आप लोग पढ़िए, आपके काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आपको बता दिया जाए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका गुजरात में स्थित है। चलिए अभी बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कड़प्पा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कड़प्पा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। अभी बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांडला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कांडला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? आपका कांडला हवाई अड्डा जो है दोस्तों, वह गुजरात में स्थित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? विजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आपका जो विजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह दोस्तों आपका जो है भुवनेश्वर में स्थित है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर और आप सभी का बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? किस शहर में कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो आपका जो है दोस्तों, कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह आपका जो है बेंगलुरु में है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, आप सभी को बता दिया जाए, राजा भोज हवाई अड्डा जो आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका भोपाल में स्थित है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो आपके सभी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और बार बार एग्जाम में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग आसानी से इसके एग्जाम में आंसर देकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह आपको बता दिया जाए, आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। आपकी क्लासेस शाम 7 बजे से प्रत्येक शाम को होती है, तो अपनी क्लास को लेना बिल्कुल मिस मत करिएगा। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें गलत जोड़ी की पहचान करना है।
तो दोस्तों इसमें जो सबसे गलत जोड़ी आप लोग जल्दी जल्दी से पहचान करके इसका आंसर करिए, इसको बता दिया जाए। इसमें जो सबसे ज्यादा गलत जोड़ी हैं, गलत जोड़ियां हैं, वे अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कोची में है, यह इसकी गलत जोड़ी है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, यह गलत जोड़ी है, बाकी सारी आपकी जोड़ियां सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुबली हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हुबली हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर और आप सभी का कर्नाटक। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किस शहर में है? तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम किस शहर में है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, इंदौर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप सभी का, वाग डोगरा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वाग डोगरा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, वाग डोगरा हवाई अड्डा जो आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका जो है सिलीगुड़ी में स्थित है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका जो स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपको बता दिया जाए, श्री गुरु गोविंद सिंह जी हवाई अड्डा जो स्थित है आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो है 16, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नांदेड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यह क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आपको कवर कराए जा रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास का पूरा आनंद उठाइएगा। चलिए तो अभी बात करते हैं स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो स्थित है आपका, वह मेरे प्यारे दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे सभी लोग कि डिब्रूगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, डिब्रूगढ़ जो है हवाई अड्डा जो आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका जो है वह असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, मदुरै अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? दीमापुर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, दीमापुर हवाई अड्डा जो आपका है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका स्थित है जो है नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा जो आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका जो है आइजोल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो स्थित है आपका, वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भरकोट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? भरकोट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते हुए जाएंगे, और जो न्यू स्टूडेंट अपनी क्लासेस डेली शाम 7 बजे से लेना बिल्कुल मिस मत करें। आपकी क्लासेस डेली शाम 7 बजे से होती हैं हमारे आरके वाई टेक्निक चैनल पर, इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तो आप लोग अपनी जो है क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करिएगा, और क्लास को जो स्टूडेंट अभी अभी जुड़ रहे हैं वो लोग क्लास को पूरा देखते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर और आप सभी का वो बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है आपका, जो है उत्तराखंड में स्थित है भरकोट हवाई अड्डा, जो स्थित आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जाली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, जाली ग्रांट हवाई अड्डा जो आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका जो स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों देहरादून, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा, लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी का अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 29 का, करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी लोग इस क्वेश्चन के आंसर करने के साथ साथ आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, जिससे जब भी हम इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करें तो सबसे पहले आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, बिरसा मुंडा जो है हवाई अड्डा आपका स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रांची में स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने जो कवर किया टॉपिक महत्वपूर्ण हवाई अड्डे, इन पर सारी टॉपिकों को कवर किया। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कि जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं वह कौन कौन करता है। चलिए तो बात करते हैं हमारा इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है वह किसकी सलाह पर होती है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से सभी लोग करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, राष्ट्रपति जो होता है वह अपना त्याग पत्र दोस्तों वह देता है जो है उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे कि इनमें से जो है कौन सी नियुक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जा सकती। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी की वी, लोकसभा के अध्यक्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, जो है हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग के आरोप को प्राथमिकता दी जा सकती है? दोस्तों वह कैसी प्राथमिकता दी जा सकती है? तो जब सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हम आपको इसी तरह के इम्पोर्टेंट कंटेंट दें तो आप लोग उस कंटेंट का पूरा फायदा उठाइए और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर लाइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी कवर कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, संसद के दोनों सदनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग, यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए
मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी अवधि के लिए कार्य कर सकता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो होता है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर अधिकतम कितनी समय के लिए जो है वह उस पर कार्य कर सकता है। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, केवल 6 महीने तक वो कार्य कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, कार्यालय में प्रवेश करने की शपथ कौन दिलाता है? कार्यालय में प्रवेश करने की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, कार्यालय में प्रवेश करने की जो है शपथ दिलाता है वह मेरे प्यार दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री जो है पहले भारत के राष्ट्रपति का को पद का दर्जा दिया था? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारतीय संघ के एक कैबिनेट मंत्री जो है पहले भारत के राष्ट्रपति को पद का जो है दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, योजना आयोग के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे जो है राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 6 माह के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, विधानसभा परिषद से राज्यसभा को अलग करने की सुविधा है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए वह कौन सी सुविधा जो है विधानसभा परिषद से राज्यसभा को अलग किया जा सकता है, उस सुविधा का नाम जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर जो है 10, इसका करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जा रहा है, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है, तो दोस्तों आप लोग बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है किसको चुना जाता है, जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपकी डेली क्लासेस शाम 7 बजे से होती है तो उस क्लासेस को लेना बिल्कुल मिस मत करिएगा। लाइव क्लास के माध्यम से आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इसी तरह कवर कराई जाती है, जो कि वो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो चुना जाता है दोस्तों, वह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के सदस्य को। क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बनने की शक्ति रखता है? आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे कि कौन जो है इनमें से भारतीय बनने की शक्ति रखता है। दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा जो है वह किसे नियुक्त किया जाता है? सभी लोग इस क्वेश्चन का जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप यदि वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आपका जो है एग्जाम में जो है काफी अच्छे नंबर आने से रुक जाओगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 14 का, करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति। चलिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों यह क्वेश्चन बार बार आपके इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर जो है आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की जो है लिखित सलाह पर राष्ट्रपति जो है क्या करेगा, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 का मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी इसे बताइए, कौन सी कार्रवाई शुरू की जा सकती है? उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, तो दोस्तों किसके द्वारा? जल्दी जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपको बता दिया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर डी, केवल राज्यसभा में ही जो है उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई जो है की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है? तो दोस्तों आपके जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्तियां होती हैं वह जो है कैसे होती हैं, किसके द्वारा होती हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारत के मुख्य न्यायाधीशों की जो है नियुक्तियां की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, जो क्वेश्चन आपका जो स्टार्ट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो महत्वपूर्ण सीमाएं हैं वह महत्वपूर्ण सीमाएं आपकी जो राज्य से लगती हैं और आपकी जो देश से लगती हैं, इन पर सभी क्वेश्चंस कवर कराने वाले हैं। और जो सीमाएं हैं हमारे जो है राज्य और देश को अलग भी करती हैं, उन सीमाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग यदि पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को यदि एक बार में याद नहीं होता है तो बार बार रिपीट करके आप लोग वीडियो देख सकते हो, और यह वीडियो आपको परमानेंट यूट्यूब पर हमारे मिल जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी बहुत अच्छी हेल्प मिल सकेगी। तो दोस्तों चलिए हम लोग कवर करते हैं कि महत्वपूर्ण जो सीमाएं हैं वह कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो दोस्तों आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग कर सकती है या करती है? तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डूरंड लाइन जो है आपकी वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंगोला और नामीबिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो जल्दी जल्दी से आंसर करिए सभी लोग कि अंगोला और नामीबिया के बीच अंतरराष्ट्रीय जो है सीमा का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर आप सभी का है ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आंसर सी करेक्ट हो रहा है, जो है छठवीं समांतर रेखा। चलिए छठवीं समांतर रेखा करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आप लोग है कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी से बताते हुए भी जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए भी जाएंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर 3 का करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, अर्डरनीस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए दोस्तों, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस आपके ज्यादा लिख गए हैं तो मैं ऑप्शंस के आपके करेक्शन कर देता हूँ, तब तक आप लोग जो है आंसर करते हुए जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों इसमें जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है, चलिए इसमें आपके ऑप्शन नहीं है तो आपको बता दिया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है वह मेरे प्यारे दोस्तों आपका महाराष्ट्र से जो है महाराष्ट्र है इनके बीच की सीमा, भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा है महाराष्ट्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, सॉरी महाराष्ट्र नहीं रे, सॉरी बाई मिस्टेक मैंने आपको गलत गलत बता दिया है, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। आप लोगों को बता दिया जाए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 4 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, डुरंड लाइन है। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी से सभी लोग करते हुए जाएंगे कि अक्षांश के समांतर कौन सा जो है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को क्वेश्चन नंबर सिक्स का मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है सी करेक्ट हो रहा है, 38वीं जो है समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, चीन और भारत के बीच की सीमा रेखा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि चीन और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है वह कौन सी सीमा रेखा है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा रेखा किसने विभाज जो है परिभाषित किया था? आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे कि उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो है हमारा किसने सब जो है इसको परिभाषित किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रहा है, जो है 17वां समानांतर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा, मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, यह क्वेश्चन आपका जो है दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार जो है महत्वपूर्ण जनगणनाएं हुई थी, तो उस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके उठाए जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो अब हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण जो जनगणनाएं हैं आप लोगों की, इस पर स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना आयुक्त कौन थी? जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे। और जो लोग वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखे हैं, वीडियो को पूरा शुरू से रिपीट करके आप लोग देखते रहिएगा। यदि आपको बार बार याद नहीं होता क्वेश्चन तो रिपीटेशन आप लोगों कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोग रिविजन करेंगे तो आप लोगों को जो है बार बार याद हो जाएगा। और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं। और बात कर लें एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है, स्टैटिक जीके से बहुत ही ज्यादा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए भी जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सीएम चंद्रमौली जो है भारत की 2011 की जनगणना जो है आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों जब हमारी जनगणना जो है 2011 हुई थी, उसके अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जल्दी जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसमें जो है जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार बहुत ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों आपका जो है 2011 में जो जनगणना हुई थी उनके अनुसार जो है आपके भारत की जो है जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, 121 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या जो है वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो है 4 का करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस शहर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हम लाइव आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिले
और आपकी क्लासेस जो है इसी तरह जो ऑफलाइन भी प्रोवाइड की जाती हैं आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, अंडमान और निकोबार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर और आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का मेरे प्यारे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में जो है इसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में जो सबसे ज्यादा शहरी आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहते हैं? तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए कि हमारे जो भारत का कुल जनसंख्या का प्रतिशत है उसका जो है कितना प्रतिशत लोग केवल हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है आपका मेरे प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, 16% लोग हमारे पूरे भारत के जो हैं वह केवल उत्तर प्रदेश में रहते हैं। यानी देखिए उत्तर प्रदेश में केवल ही केवल आपके 16% लोग जो है हमारे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के रहते हैं जनसंख्या के अनुसार जो 2011 की जनगणना हुई थी उनके अनुसार ये डाटा आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या की वृद्धि दर क्या थी? तो दोस्तों आप लोग बताइए कि जो हमारी है 2011 में जब जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर थी वह कितनी प्रतिशत थी? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 17.64% जो है आपकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे कि भारत में किस राज्य में प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए भारत के जिस राज्य में सबसे ज्यादा प्रजनन दर है वह दोस्तों आपको बता दिया जाए क्वेश्चन नंबर का 10 का करेक्ट आंसर है डी, बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा जो है प्रजनन दर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में जो है सबसे कम वृद्धि दर है? दोस्तों आप लोग बताइए कि जब 2011 की जनगणना हुई थी उस अनुसार जो है किस संघ राज्य क्षेत्र में जो है सबसे कम जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? जल्दी जल्दी से आंसर करिए, या वृद्धि दर है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा और साथ ही में क्लास को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप लोग बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, 74.04% जो है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि जब हमारा 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में पुरुषों की जो है साक्षरता दर कितनी प्रतिशत रही है? तो दोस्तों आपको बता दिया जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का जो है 18 नंबर क्वेश्चन का मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, 80.82.14%। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक जो है वृद्धि हुई थी?
तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि जो है हमारा जब 2011 में जनगणना हुई थी, ऐसा कौन सा जो है राज्य था जिसमें ना के बराबर जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। सभी लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है जब 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो इसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वह ना के बराबर हुई थी। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, इनमें से जिस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम होती है वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का मेरे प्यारे दोस्त आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, भारत में सबसे साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत में जो है साक्षर संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है, जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है चंडीगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, किस राज्य में जो है लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी जल्दी से किस राज्य में जो लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है, जिस राज्य में लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है वह राज्य मेरे प्यारे दोस्तों आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग, भारत का लिंगानुपात क्या है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि भारत का जो लिंगानुपात है वह क्या है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे जब भी हम लाइव आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर और आप सभी का सी करेक्ट हो रहा है 940/1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वह जो है भारत महत्वपूर्ण झीलें हैं, वह झीलें किस राज्य से होकर गुजरती हैं, वह झीलें जो है किस नाम से जानी जाती हैं, इन सभी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो रही है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पीछे भी कवर करा दिया है तो आप लोग उस वीडियो उसको भी पूरा देखिएगा, इस वीडियो को पूरा रिवीजन करिएगा आप लोग और साथ ही में हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देखिए आप लोग, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको कवर कराए गए हैं, तो इस क्लास का पूरा आनंद उठाइएगा और प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों आप जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि इनमें से जो है बताना है कि कौन सी झील है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए मध्य प्रदेश में जो झील स्थित है वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो रहा है जो है मेरे प्यारे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए जो है सायपुरा झील जो है वह आपकी मध्य प्रदेश में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, डल झील कहाँ स्थित है, डल झील जो है आपकी वह कहाँ पर है। दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए डल झील जो है आपकी वह मेरे प्यारे दोस्तों आपका जो है वह आपका जो है जम्मू कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, रोपड़ झील किस राज्य में मौजूद है, रोपड़ झील किस राज्य में मौजूद है। जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे सभी लोग। तो आप सभी को बता दिया जाए रोपड़ झील जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह आपकी जो है पंजाब में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, निम्नलिखित में से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन सी झील तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए उनमें से जो झील तमिलनाडु में स्थित है वह झील दोस्तों आप सभी की है ऑप्शन नंबर ए वीरेनम झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है, सॉरी दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है तो आप लोगों को क्वेश्चन बता दिया जाता है इसका क्वेश्चन जो है क्या लिखा है। लिखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है।
सभी लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ताजे पानी की झील जो है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ताजे पानी की झील है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील जो है आपकी सबसे भारत की सबसे ताजे पानी की झील है। अभी बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील कहाँ पर है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए जो चिल्का झील है आप सभी की, वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में पुरी के पास है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का, उड़ीसा में कौन कौन सी झील मौजूद नहीं है? उड़ीसा में कौन कौन सी झील मौजूद नहीं है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए उड़ीसा में जो झील मौजूद नहीं है वह मेरे प्यारे दोस्तों आपकी है ऑप्शन नंबर ए जो है, ताम झील उड़ीसा में मौजूद नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए भारत की जो सबसे लंबी झील है वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो आप सभी का क्वेश्चन नंबर एट का, मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है वह आपका ए करेक्ट हो रहा है, वेम्बनाड केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लिए, प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में है? प्रसिद्ध लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चोलेमू जो है, चोलमू झील सिलिका में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? रविंद्र सरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का, रविंद्र सरोवर झील जो आपकी है वह मेरे प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, प्रसिद्ध जो है पिछोला झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे, और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आया है आप सभी का, प्रसिद्ध पिछोला झील जो आपकी स्थित है वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो है 12 का, करेक्ट आंसर हो रहा है सी जो है, उदयपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की सबसे बड़ी जो है कलात्मक झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील कौन सी है? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हम आपको इसी तरह के कंटेंट प्रोवाइड करें तो आप लोगों को आसानी से सारी वीडियो मिल सके। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है 13 का, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, जो गोविंद वल्लभ पंत सागर करेक्ट हो रहा है। चलिए अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, जो है तोसोंगमो लेक कहाँ स्थित है? तोसोंगमो लेक कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे, तो दोस्तों करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है ए करेक्ट हो रहा है, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, कि भारत में कौन सी झील जो है अपने तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दिया जाए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लोकटक झील करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, वार्ड झील कहाँ स्थित है? इसमें देखिए ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा इधर उधर हो गए हैं बाई मिस्टेक, मैंने सही से देखा भी नहीं इसको, इस कारण इधर उधर से हो गया, तो मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा कि वार्ड झील आपका कहाँ पर है। तो दोस्तों वार्ड झील जो आपकी है वह दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो रहा है जो है शिलांग में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है आपका
डी करेक्ट हो जाएगा, शिलांग में स्थित है, वार्ड झील आपकी शिलांग में स्थित है। तो दोस्तों आज हमने कवर किया है जो इतनी टॉपिकों को अभी हमने कवर कर डाला है, जैसे कि आपकी है झील हो गई, महत्वपूर्ण झीलें हो गई, नियुक्तियां हो गई, जनगणना हो गई, जो है हवाई अड्डे हो गए, ये सारे क्वेश्चन हमने कवर किया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में हम लोग जो कवर करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक का, जो हमारा है ये टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं, इसमें आपको कवर करने वाले हैं कि भारत में पहली जो है महिला और पहली भारत में पहली बार महिला और पुरुष कौन है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कौन करते हुए जाएंगे कि जो है नोबेल पुरस्कार जो पहली महिला विजेता कौन थी, इसी तरह के ओलंपिक जो है पदक जो है जीतने वाली महिला या पुरुष जो है वह कौन थे, इस पर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा, आपकी क्लासेस काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की, तो आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, भारत रत्न पाने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे आपके, वह मेरे प्यारे दोस्तों वह चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले जो है भारतीय कौन थे, तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर वी, खसाबा दादा साहब जाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सैम मानेक कसा था। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री जो थे वह आपके दोस्तों जो करेक्ट हो रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन है दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के जो है पहले व्यक्ति कौन थे, जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है आप सभी का ऑप्शन नंबर सिक्स का सी करेक्ट आंसर हो रहा है, रविंद्र नाथ टैगोर। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे मेरे प्यारे दोस्तों, वह करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा, सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, पहला परमवीर चक्र विजेता जो थे वह आपके थे दोस्तों मेजर सोमनाथ शर्मा। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो थे वह मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर ए अभिनव बिंद्रा थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन है 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन थी। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए जाएंगे कि 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, वचेंद्री पाल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कर दीजिएगा, पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला, पहला पद्म विभूषण पुरस्कार किसे मिला, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है आप सभी का, पहला पद्म विभूषण जो पुरस्कार मिला था वह सत्येंद्र नाथ बोस को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का, भारतीय गणराज्य के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय जो थे पहले भारतीय कौन थे। करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, सी वी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों आप सभी का, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री जो थे वह मेरे प्यारे दोस्तों आपके वी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। करेक्ट आंसर हो रहा दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जतिंदर कुमार वजाज जो था वह दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर भारतीय संघ के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। भारतीय संघ के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। अर्थशास्त्र के लिए पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे। करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है, अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे वह मेरे प्यारे दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है एच जे कनिया थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था। दोस्तों करेक्ट आंसर हो जा रहा आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जगन्नाथ श्रीनिवास राघवन। चलिए अभी बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर कि जो आपके लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो थे वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी, जी वी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, मुक्त भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। मुक्त भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे। करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है। अभी बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों आप सभी का, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे मेरे प्यारे दोस्त, करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे और क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हम आपको इसी तरह के कंटेंट दें तो आप लोग सबसे पहले उस कंटेंट को देख सकें। इसीलिए आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, और बार बार आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे आपका करेक्ट आंसर हो रहा है डी, आर के शानमुखम चेट्टी शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, नोबेल पुरस्कार के लिए जो है प्राप्तकर्ता कौन था। नोबेल पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता कौन था। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका बी, जो है सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग, भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के लोकपाल के जो पहले अध्यक्ष थे वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, पिनाकी चंद्र घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे।
मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल में तैरने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों आपने एक मूवी शिद्दत देखी होगी जिसमें जो है एक एक्टर क्या करता है, इंग्लिश चैनल को पार करने की बात करता है। तो दोस्तों ये बातें आपको इसलिए बताई जाती है क्योंकि आप उस मूवी को तो हमेशा के लिए याद कर लिए होंगे, मुझे भी पता है, और आप लोग उस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले एक्टर के साथ साथ आप लोग इसका जो है नाम भी याद कर लीजिए कि इंग्लिश चैनल को में जो है तैरने वाला पहला भारतीय कौन था। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी, मिहिर सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, सत्यजीत रे करेक्ट आंसर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट कौन था? तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि भारत का पहला सैन्य हेलीकॉप्टर पायलट कौन था? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, सुधीर कुमार मजूमदार। वेरी गुड स्टूडेंट, इसी तरह सभी लोग आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो के साथ साथ आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को आराम से देखिएगा। बार बार एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी? 1887 में जब पहली भारतीय महिला चिकित्सक कौन बनी थी दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर वी, जो है आनंदी बाई गोपाल राव जोशी, जो 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारतीय एयरलाइंस की पहली भारतीय महिला पायलट और कप्तान कौन थी? भारतीय एयरलाइंस की पहली भारतीय महिला पायलट और कप्तान कौन थी? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप सभी का 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दरवा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, निम्न में से कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी? निम्न में से जो है कौन देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, शिला सर्वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, क्वेश्चन है कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग है? तो दोस्तों आप लोग बताइए जल्दी से, कौन ऐसी महिला थी जो अपंग होने के बावजूद भी एवरेस्ट पे चढ़ी पहली महिला? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 33 का डी करेक्ट हो रहा है, अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, 1994 में भारतीय वायुसेना में एकल उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे, और पहली बार विजिट किए हैं क्लास पर तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा, आपकी क्लास काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजेदार भी है। तो दोस्तों आप सभी को बता दिया जाए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, हरिता कौर देवल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाली पहली जो है भारतीय और एशियाई महिला बनी? दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये भी इंग्लिश चैनल को जो है तैरने वाली पहली जो है भारतीय और एशियाई महिला बनी थी, वह कौन बनी थी? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है वी, आरती शाह जो थी वह इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय और एशियाई महिला बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने कौन बनी थी? तो दोस्तों एक इस क्वेश्चन को मैं फिर से देख ले रहा हूं, इसमें लिखा हुआ पूरा क्वेश्चन है आपका, नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन बनी? आप लोग जल्दी से आंसर करिएगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो है भारतीय महिला कौन बनी थी? इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करते हुए जाएंगे कि जो है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय जो महिला थी वह कौन बनी थी? जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे सभी लोग, भारतीय महिला जो थी वह कौन बनी थी? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग।
और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर और आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर जो है 37 का करेक्ट आंसर है कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली जो प्रथम भारतीय महिला बनी थी वह मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, मदर टेरेसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा है, भारत की पहली जो है महिला राष्ट्रपति थी वह मेरे प्यारे दोस्तों करेक्ट आंसर है आप सभी का ए, प्रतिभा पाटिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो रहा है, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी। करेक्ट आंसर हो रहा है दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय वायुसेना में पहली महिला उड़ान अधिकारी कौन है जिसे अदालत ने मार्शल किया था। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 42 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अंजलि गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए, लड़ाकू जेट पर लड़ाकू मिशन को अंजाम देने के लिए भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट कौन थी। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे और साथ ही में क्लास को शेयर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी को बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर ए है, भावना कंठ। चलिए वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका, लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। लड़ाकू विमान को अकेले उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है सी, अवनी चतुर्वेदी। जिन्होंने क्या किया था, लड़ाकू विमान को अकेले ही उड़ाने वाली जो है प्रथम भारतीय महिला बनी थी। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है फ्लाइट कमांडर बनने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, अवनी चतुर्वेदी, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। विमान उड़ाने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वह कौन थी। करेक्ट आंसर आपका डी, सरला ठकराल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा, 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर जो है 47 का करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, फातिमा बीबी। अभी बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आप सभी का, WTA की जो है महिला टेनिस एसोसिएशन डबल रैंकिंग नंबर 1 स्थान पाने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी को बता दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो रहा है, जो सानिया मिर्जा। अभी बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन के जो है पदक जीतने वाले महिला भारतीय महिला कौन बनी। जल्दी जल्दी से आंसर करते हुए जाएंगे, बाय मिस्टेक मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पढ़ दिया है, आप लोग थोड़ा सा फिर से रिपीट कर लीजिएगा। ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर और आप सभी का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो रहा है आपका, जो है साइना नेहवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा सभी लोग, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है मुक्केबाजी कौन बनी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो रहा आप सभी का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो रहा है इसका बी करेक्ट हो रहा है, मैरी कॉम। तो दोस्तों आज की सीरीज में आपको सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कराया है। तो इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यदि आप पढ़ना चाहते हैं बार बार, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को आपको हमारी जो है क्लास में कवर कराया जाता है और लाइव सेशन के माध्यम से जो है आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है चैप्टर वाइज कवर कराया जाता है। यदि आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे जो है अर्क वाई टेक्निक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे जब भी हम लाइव आए या जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए
धन्यवाद सभी लोगों को हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।